हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे रेसोनेंस स्पेशलिटीज लिमिटेड के बारे में। तो देखिये, ए शेयर आपका पिछले दिन क्लोज हुआ था 234.10 पे, हाई गया था 244.90 एंड लो गया था 225। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो आपका है 270.25 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है 265.46 करोड़, पीई रेशियो आपका है 21.4, डेट है कंपनी के ऊपर ओनली 1.09 करोड़, और कंपनी के पास अभी आपका कैश है 5.87 करोड़। तो इसका जो डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.03। किसी भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से कम ही है। और एक अच्छा बात है कि कंपनी के पास अभी जो कैश है आपका 5.87 करोड़ है। मतलब क्या, कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे जो आपका 1.09 करोड़ का डेट है इसको चुका सकता है। और सेल्स ग्रोथ हुआ है इस कंपनी में इस साल में 25.21%, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 35.11% जो कि बहुत ही अच्छा है, आरओसी आपका है 48.33% जो कि बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है आपका 91.08%, ये भी बहुत अच्छा है, अर्निंग पर शेयर है आपका ₹1.94 एंड प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है 62.31%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ऊपर होता है या ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक अच्छा बात है, ये जो आपका 62.31% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, तो फंडामेंटली ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है, इसीलिए फिनस्टार ने इसको 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट एक बार देख लेंगे, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा शेयर अपट्रेंड में है, कौन सा शेयर डाउनट्रेंड में है। ओके, तो अभी देखिए, ये शेयर इसी साल अप्रैल का महीने में चल रहा था ओनली 118 के करीब, तब से ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है और एक हाई लगा है आपका 242 के करीब, फिर यहाँ पे गिरा। लेकिन देखने लायक चीज क्या है, देखिए ये जो लेवल है, यहाँ से ये शेयर गिरा था, यहाँ से ये शेयर गिरा था, सपोर्ट भी देखिए, इस जोन से सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर आया इस जोन पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, मतलब ये जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग अभी के रेट में एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, आज पिछला दिन ही मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे पे यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था, और उस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था, और यह शेयर आज के डेट में आपका 200 डेज, 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए, आरएसआई पहले आपका 60 के नीचे था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे पे ही आरएसआई आपका 60 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और भी एक चीज देखिए, आपका एमएचडी 0.0 से ऊपर था बहुत दिनों से, लेकिन एक ही रेंज में था लास्ट ट्रेडिंग डे पे, यहाँ पे हम लोगों के एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ देखा, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वीकली चार्ट है वो एक बार देख लेंगे। ओके, तो देखिए अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे स्क्रीन पे इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया। अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस जगह से 2019 मई का महीना ए शेयर चल रहा था ओनली 16 रुपया 17 रुपया, अभी यहाँ पे आ जाते हैं आपका 2020 अप्रैल का महीना ए शेयर चल रहा था 29 रुपया 28 रुपया, और तब से ए शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है और लगभग 6-7 गुना से ऊपर ही आपका रिटर्न दे चुका है। अगर आप लोग पिछले साल मतलब 2020 मार्च का महीना पकड़ेंगे तो ए आपका 18 महीने के अंदर ए शेयर आपका 6-7 गुना से ऊपर ही रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, इसी वीक में जो वीक अभी खत्म हुआ, इसी वीक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ था और उसी कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया था, और आज के डेट में ए शेयर आपका 50 डेज
100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसी वीक में RSI 60 का लेवल क्रॉस करके ऊपर गया और इसी वीक में 0 पॉइंट से ऊपर 0 पॉइंट से नीचे अभी भी है MACD, लेकिन MACD का जो व्हाइट लाइन है वो बहुत अच्छी तरीके से मोड़ चुका है, मतलब MACD भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो वीक था बहुत ही एक पॉजिटिव वीक था, तो ओवरऑल इस वीक में हम लोगों को जो शेयर पैटर्न दिख रहा है वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन कर लिया। कोई भी शेयर देखिए एकदम से बढ़ता नहीं है, थोड़ा गिरता है, ज्यादा बढ़ता है, तो इसको अपट्रेंड बोला जाता है। तो देखिए अगर आप लोग यहां से देखेंगे इस जगह से, मतलब पिछले साल मतलब 2020 जून का महीना, यहाँ पे सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया था, तब से ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बहुत गिरावट तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शेयर कोशिश करके भी देखिए इस जगह पे अगर देखेंगे तो सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ नहीं पाया, फिर से इस जगह पे देखिए सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ नहीं पाया, फिर से इस जगह पे देखिए लास्ट महीने मतलब आपका नवंबर का महीना, यहाँ पे भी शेयर गिरा था लेकिन सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, और फिर से आपका दिसंबर का महीना में ये शेयर आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। मतलब एक तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में मुझे ये शेयर बहुत ही बुलिश लग रहा है। क्योंकि देखिए RSI की बात करें तो मंथली चार्ट में भी ये शेयर आपका अबव 60, और MACD की बात करें तो MACD भी देखिए 0 पॉइंट से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका कारेंट मार्केट प्राइस है लगभग 234-235, इसी रेंज में अगर इस शेयर को आज के डेट में मतलब जब मंडे ओपन होगा इसी रेंज में अगर इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4 से 5 महीने का है, तो मुझे जो लगता है कि 4 से 5 महीने के अंदर ये शेयर 330 का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।